खबर सीकर से है, जहां एबीवीपी छात्र संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कन्या महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्य सुशीला नांदल को हटाने की मांग की है। एबीवीपी के जिला संयोजक नितेश चौधरी का कहना है कि प्राचार्य के आदेश पर छात्र संघ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है और साथ में प्राचार्य की ओर से भामाशाह का भी अपमान किया जा रहा है। ऐसे में छात्र संगठन एबीवीपी इसकी कड़ी निंदा करता है। इस दौरान एबीवीपी ने कार्यवाहक प्राचार्य को न हटाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली। पिछले कई दिनों से जो गर्ल्स कॉलेज है, कन्या महाविद्यालय, इसके अंदर जो प्राचार्य, जो कार्यवाहक प्राचार्य है, इसकी जो तानाशाही है वो बराबर चल रही है। इसकी तानाशाही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उखाड़ के फेंकेंगे। आज जब छात्र संघ अध्यक्ष कॉलेज के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस समय उसको रोका जाता है, गार्ड के द्वारा बोला जाता है छात्र संघ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कॉलेज में कोई काम नहीं है, आपकी एंट्री नहीं है कॉलेज के अंदर, अगर आप कॉलेज के अंदर बैठा जाओगे तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। प्रिंसिपल मैडम के द्वारा सख्त से सख्त मना किया गया है कि जो छात्र संघ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उसको कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे और नहीं कॉलेज के अंदर आने देंगे। तो हम कॉलेज प्राचार्य सुशीला नांदल जी की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं कि जो कार्यवाहक प्राचार्य हैं उनको जल्द से जल्द हटाया जाए और उनके उनके स्थान पर एक अस्थायी प्राचार्य लाए।